बच्चों, नीति के दोहे क्या हैं इसे सुनिए। वास्तव में हम सब एक समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हम और समाज के अन्य व्यक्ति सुखपूर्वक कैसे जिंदगी बिताएं, ये हमको शिक्षा नीति से मिलती है। कबीर कुछ नीति के दोहों में ये चर्चा करते हैं। दुर्बल को न सताइए, जा की मोटी हाय, मुई खाल की स्वास सो सार भसम हो जाए। दुर्बल को न सताइए, जा की मोटी भसम होई जाए। कबीर दास जी के इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने से असहाय और दुर्बल व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि सताए हुए व्यक्ति के मुंह से जब आह निकलती है तो वो बहुत ही कष्टदायी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार लोहार की जो धौंकनी होती है वो मरे हुए जानवर की खाल से बनती है, और उसको चलाने पर जो उससे हवा निकलती है उससे तो लोहा भी पिघल जाता है। जो सबल हैं, बलशाली हैं, उनसे तो लोग विरोध नहीं करते हैं, उनके सताने का सवाल नहीं उठता है, किंतु जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनको प्रायः लोग सताने लगते हैं, पीड़ित करते हैं। कबीर कहते हैं, ऐसे निर्बल, दुर्बल, कमजोर लोगों को सताना बहुत बुरा कार्य है। जिस प्रकार लोहार की धौंकनी में मरे हुए जानवर की खाल लगती, लेकिन उस धौंकनी से धौंकते समय जो हवा आती है वो आग को इतना अधिक तेज कर देती है कि लोहा भी जलकर राख हो जाता है। अगर इन दुर्बल व्यक्तियों को सताया जाएगा तो जो इनकी आह है, जो इनका कष्ट है, जो इनकी वेदना है, जो इनका दर्द है, वो कभी न कभी बड़े सबल और बड़े ताकतदार सताने वालों को भी नष्ट कर देता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोए खाल की स्वास सो सार भसम होए जाए, सार भसम होए जाए, सार भसम होए जाए।